ए छपरे 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 राइडर छपरे रुक तेरे को बता देती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो है छपरी बाइकर। तो एक क्वेश्चन है आप लोग से कि सबसे बड़ी चीज छपरी कौन होते हैं? क्या वो लोग छपरी होते हैं जो बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, या फिर वो लोग छपरी होते हैं जो सारे राइडिंग गियर्स पहनते हैं, हेलमेट, बूट, पैंट्स, हर एक चीज जो भी पॉसिबल है, या फिर वो लोग छपरी होते हैं जो इतना बड़ा इवेंट कराते हैं जिसमें इतने लोग की गैदरिंग होती है, इतने सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं और वो भी बिना पुलिस परमिशन के? इसे पूछ के परमिशन लिया आपने इतने लोगों को? आपने पुलिस को, जिला प्रशासन को किसको बताया? आपका रेस्टोरेंट आपकी लाइबिलिटी नहीं है। कैसे इतने लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पे? सो आज मैं आपको एक ऐसे ग्रुप के बारे में बताऊंगा जिसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और मोस्ट प्रॉब्ली सुनोगे भी नहीं। तो बाकी सब चीज़ें एक तरफ है, मुझे एक बात दिल से इतनी ज़्यादा बुरी लगी, इतना ख़राब लगा मुझे कि उन लोग को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि उनके शहर से कोई लड़का आगे जा रहा है या जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचे हैं आके, उनको इस चीज़ से कोई प्राउड फील नहीं है। उनको बस ये है कि यार इसको नीचे कैसे गिराना है। अपनी लाइफ में इंसान कुछ नहीं कर पाया है तो उसके पास बस यही मेन मोटो अब बचा है, जो लोग रियल में मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको नीचे कैसे खींचा जाए। जो लोग हमें टारगेट कर रहे हैं ना, वो ऐसे कह रहे हैं जैसे उन्होंने कभी हाईवे पर गाड़ी भगाई नहीं, और मतलब लिटरली उन्होंने कभी बाइक रेव नहीं करी, बाइक से बर्नआउट नहीं किया, वो ऐसे सीधे इंसान है। मतलब सच में वो लोग अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं कि उनसे रिस्पॉन्सिबल कोई राइडर ही नहीं है। सीधी सी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत ही पुरानी कहावत मुझे याद आ गई कि अगर आप गिरे होगे तो आपको कोई उठाने नहीं आएगा, बट अगर आप उठे होगे तो आपको गिराने हजार लोग आएंगे। अब हम बात करते हैं हाल ही में एक इवेंट जो लखनऊ में हुआ था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ इनफैक्ट। और एक्चुअली क्या हुआ ना कि उन लोग को बस एक मौका चाहिए था हमें टारगेट करने का, सब कुछ कर लिया, जितना जोर लगाना था लगा लिया, तो अब वो किसी और को भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। सीधी सी ये बात है। सबसे पहली चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा बाइकर्स मीट होता है जहाँ बाइक रेव नहीं होती है और या तो बर्नआउट्स नहीं होते हैं? देखो ऑफकोर्स जो भी चीज़ें होती हैं वो सब एक क्लोज इन्वायरमेंट में होती हैं, तो हम भी एक क्लोज इन्वायरमेंट में थे और हमने नॉर्मली बाइक रेव करी, और ऐसा भी नहीं कि हमने आधा एक घंटा रेव करी, लिटरली 5 से 10 मिनट में पहुंचा। मेरे पास क्लिप्स पड़ी है, मैं क्लिप्स भी ऐड कर दे रहा हूँ, आप वो भी देख लो। गलती कहां पे हुई है कि जिसने भी जो भी ऑर्गेनाइजर था, अगर आप सोच रहे हो 3-3, 4-4 इतने बड़े बड़े यूट्यूबर आ रहे हैं इंक्लूडिंग मी, तो उसमें लोग तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आएंगे ही, तो शोर तो देखो मचने वाला है। हम कोई कैंडल मार्च में नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं प्रॉपर मीट में, बाइकर्स मीट में, तो सब चीज़ें होना लाजमी आ रही है। देखो डेफिनेटली जो भी वीडियोज़ डालता हूँ, जो भी व्लॉग्स डालता हूँ, उन सब के स्टार्टिंग में ये जरूर होता है कि आप राइडिंग गियर्स जितने अफोर्ड कर सकते हो वो पहनो। देखो मुझे पता है कि स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है पैसे वैसे कि आप एक हेलमेट तक ही मेन अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है स्टार्टिंग में। मैं खुद 1500-1000 रुपये वाला हेलमेट पहना है स्टार्टिंग में, बाद में जब मेरा आज मैंने मेहनत करी, मैं आगे बढ़ा, खुद से पैसे कमाए, तब मैंने चीज़ें धीरे धीरे अपग्रेड करी, अब मैं राइडिंग गियर सारे सब कुछ पहनता हूँ। और अब आते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ। सेकंड कैटेगरी है अपनी गलत फहमियाँ पाल लो बट सांप नहीं पालो। देखो इस कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो भाई लिटरली पूरे टाइम फुदकते रहते थे आसपास की, भैया ये कर दो, भैया ये वाला रेस बना दो। इनफैक्ट अब तो मैं थोड़ा और नॉर्मल व्लॉग्स करने लगा हूँ, एंड इवन कुछ तो ऐसे कमेंट्स थे कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दो, और भाई मैंने उन लोग को काफ़ी अपना टाइम भी दिया है, मैं उनके साथ राइड्स पे भी गया हूँ, जब सच में एक टाइम आया तब वो क्या बन गए और वो भी ऐसे नहीं डायरेक्टली डस रहे, पूरा इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई उन लोगों ने, काफी कुछ बोला, मैंने सोचा इग्नोर करते हैं। बट देखो कुछ चीजें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी का, क्यों किसी को अपनी मेहनत से जो कमाए हुए प्लेटफॉर्म है उस पर मैं प्रमोट करूँ? देखो डायरेक्टली बोल रहा हूँ, बाकी जो भी अपने सब्सक्राइबर्स हैं, जो अपने फॉलोअर्स हैं, वो मेरे से मिले दिल्ली में, उनको पता है यार मैंने लिटरली दिल्ली मीटअप जो था उसमें सबको शाउट आउट दिए, और कैसे मिलता, जो लोग मेरे से मिलते हैं यार मुझे उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कैसे हैं या मैं कैसा हूँ। तो अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मैं ऐड कर रहा हूँ, आप देख लो पहले। तो ये जना बहुत ही बड़े पेज का फर्स्ट कॉपी पेज ओन करते हैं, अभी उन्होंने जिक्सर की फोटो भेजी अपने और मेरे से कहते हैं कि आप इससे रेस कर लो, टॉप स्पीड भी बना लो, और रेस डायनेमिक्स पे मेरे से मिलते रहते थे एज अ फैन। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा, आप देख सकते हो उन्होंने लिखा है फैन मोमेंट, और नीचे सबसे बड़े ये फ्लिपर है, इन्होंने एक स्टोरी डाली है कि नीचे शेम ऑन यू, मतलब ऊपर फैन मोमेंट, नीचे शेम ऑन यू। तो ऐसे ये लोग हैं, मतलब ग्रुप के सगे नहीं, किसी के क्या सगे होंगे भाई, मेरे से मिलते हैं, मेरे से फैन बनने का, फोटो खिंचाने का सब कुछ करते हैं,
और उसके बाद ऐसा फ्लिप करते हैं ये। उसके बाद आ जाते हैं कुछ और जहरीले सांपों पे। तो ये भाई साहब मेरे से कहते हैं कि भाई इनका पेज प्रमोट कर दो, इनके साथ मैंने एक दो बार राइड करी होगी तो इनके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, इन्होंने ये बोला। उसके बाद ये मेरे से कहते हैं कि अपने फेसबुक पे भी भाई शेयर कर दो, और उसके बाद ये हमें टैग करते हैं ये डाल के कि ये लोग रेसेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और इनके चैनल पे आप देख लो क्या रहता है, सिटी रेस रोड रेस। भाई हम गलत हैं, ये एकदम सही है। एंड सही बताऊं अगर मैं बोलने को बैठूंगा तो बहुत लोग मिल जाएंगे, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए भाई लाइफ में जिनको मैं आपको बता रहा था जो कैटेगरी है स्पेशली। तो ऐसे लोगों से अपनी लाइफ में बहुत दूर रहो, बहुत बच के रहो, क्योंकि ये पूरे टाइम बहुत आपकी वाहवाही करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे और लास्ट में करेंगे ये, वरना ऐसा मारता ऐसा डसता। और मेरे से कहते थे कि भाई मेरा चैनल प्रमोट करो, मेरा FB पेज प्रमोट करो, अपना कैमरा मेरे को सस्ते में दे दो, ऐसा ऐसा तक कहा है मेरे से। उसके बाद ऐसी पलटी मारी उन्होंने। तो ऐसे डबल फेस लोग को मैं क्या कहूँ, सांप से ज़्यादा कुछ नहीं है ये लोग, इनसे दूर ही रहो सबसे बेटर है। तो जो भी हेटर्स हैं हमारे, वो लोग सोच रहे होंगे कि हम बहुत डिप्रेशन में हैं और बहुत टेंशन ले रहे हैं, बट यहाँ कुछ लोग हैं जिनको देखो आप एक बार ज़रा, ये ऊपर तक तो ठीक था, नीचे देखो ये पूरा मसाज थेरेपी चल रही है, और अभी एक अंगूर भी खिला रही थी, वो गई है ज़रा, बाकी फल ख़त्म हो गए लेने। देखो इनको, इनकी क्या हेटर बनेगा रे, इनकी मस्त। मैं एक्चुअली साहिल खान का बहुत बड़ा फैन हूं, तो कहता नहीं है वन लाइफ। वो भी नॉर्मली हॉट मसाज ले रहे हैं भाई। तो ये जो ग्रुप है इसके मेंबर्स हम लोग को ये भी टैग कर रहे थे कि फर्स्ट कॉपी एग्जॉस्ट, जो हमारा जो एग्जॉस्ट लगा है ना गाड़ी में भाई, जो अपना नीचे फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है उसमें तुम लोग का घर जाएगा, इसमें तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। फ्री फंड में नहीं आता है भाई, मेहनत करके पहुंचे हैं यहाँ तक, अपने दम पे सब कुछ एक एक चीज करी है। तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। बाय द वे हमारी एक जो गलती थी वो थी नंबर प्लेट्स हमारी गाड़ी में नहीं थी। तुम लोग भी काफ़ी ज़्यादा गलती कर और काफ़ी गलतियां करते आए हो, तो अब वो चीज़ हम लोग भी ध्यान रखेंगे आगे से। और बाकी मैं अंगूर की प्रतीक्षा में बैठा हूँ भाई अभी। अंगूर कब आएंगे इनके, ये मसाज का सेशन 2 चल रहा है भैया। लॉन्डन में लगाए कि नहीं चौराहे पे, लॉन्डन में लगाए फील्डिंग तो तैयार है यार एकदम। बस बस ठीक है। हम उस दिन के वीडियोस देख रहे थे तब मुझे ये चीज और ज्यादा रियलाइज हुई कि यार हम लोग की जो सुपर बाइक का तो कोई मैटर ही नहीं था, सारा मैटर था परमिशन वाला, और हम लोग को जो भी ये मैटर था ये पूरा सोशल मीडिया पे बनाया गया था, है ना। पूरा का पूरा मैटर जो है वो सोशल मीडिया पे क्रिएट किया गया, अपनी गलतियां छुपाने के लिए सारी गलतियां डाल दी गई इधर। बहुत आसान था भाई, अपनी गलती छुपा लो, परमिशन की जरूरत ही नहीं होती अकॉर्डिंग टू मतलब ऑर्गेनाइजर। 200 लोग की गैदरिंग आप बिना परमिशन के कर सकते हो, मतलब पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, 200 लोग इकट्ठा कर लोगे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। वाह। और आपने वीडियो में भी देखा कि डायरेक्ट पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं बोला बाइकर्स को, बाइक्स को कुछ नहीं बोला, सीधा ये बोला कि आपके पास परमिशंस नहीं है। उसके बाद भी ये लोग इतना कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने बाइक देखी कि यार रेव हो रहा था, हल्ला हो रहा था, तो उन्होंने कहा जो जो बाइक है इनका जो भी कमियां हैं इन गाड़ियों में उसके अकॉर्डिंग चलान होगा, सीधी सी बात है। और हमारी जो मिस्टेक थी, हमारी क्या मिस्टेक थी, नंबर प्लेट नहीं थी, है ना। तो हम लोगों ने उसका भाई एक्सेप्ट करी वो मिस्टेक, हमने चलान करवाया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, अब हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे, सुधारेंगे वो चीजें, बट मेन मैटर ये था। चलो